अरे भैया, आप लोग ना वो ऊपर कमरे में ना दो बड़े बड़े ट्रंक रखे हैं, पहले उसको निकालिए, आराम से निकालिएगा। हाँ, उसके बाद दूसरा काम करें। ये तो मुरली की किताबें हैं ना? हाँ। तो इनको क्यों रख रही हो? मुरली भी हमारे साथ रतलाम चलेगा। अरे क्यों? मगर सविता, अरे मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है उसको यहां से भेजने का ना, तुम नहीं छोड़ना चाहती ना उसे, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सब तो उसी के लिए किया है। 15 दिन हम यहाँ क्यों रुके थे? अरे उसके स्कॉलरशिप मिलेगी। मुरली को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्या? क्यों? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? किसने? हम कह रहे हैं बस, अब 15 दिन हम लोग जो यहाँ रुके हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पहली बार मुरली ने इतनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की है, उसने कोशिश की है, ये भी तो कोई कम बात नहीं है ना। हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे थे, हम खुश हैं कि मुरली हमारे पास रहेगा। नहीं सविता, गलत हो तुम, एकदम गलत कह रही हो। अरे जिस तरह से हमारे बेटे ने पढ़ाई की है ना, जिस तरह से उसने मेहनत की है ना, हो ही नहीं सकता कि उसको स्कॉलरशिप ना मिले। सुनो, ये किताबें रखो, नहीं जाएगा। अरे नहीं, आप हमारी बात सुनिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाओ सारा सामान, हटाओ। शंभू, शंभू भैया, ये भी मुरली का बैग है ना? जी। सुनो, वापस रखो उसको अंदर का। अरे सुनिए, नहीं जा रहा है वो। भैया आ गया। मुरली, मुरली, क्या हुआ रिजल्ट का? क्या हुआ बेटा, बोल ना। रिजल्ट का क्या हुआ? सस्पेंस पिक्चर चल रहा है क्या? बताओ ना क्या हुआ। हुआ क्या बेटा, बोल। मैं फर्स्ट आ गया। फर्स्ट? मुरलीधर शर्मा, फर्स्ट रैंक। मेरा भाई फर्स्ट आ गया। शाबाश बेटा, शाबाश। वाह भाई वाह, मुरली कमाल कर दिया तुमने। अरे बेटा खड़ा क्यों है, आशीर्वाद ले, पैर छू, चल चल। अरे अरे हमारे नहीं, बाकी चल। वाह बेटा, जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। आज तुमने मेरी नाकुची कर दी। देख, घर से तेरे पापा की छाती कितनी फूल गई, देख रहा है? मेरी भी नाकुची हो गई है, देखो। मैथ्स में 100। कल पेरेंट टीचर मीटिंग है पापा, आपको आना है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे मुरली। और सुनो ना, कल ना तुम्हारे स्कूल में मैं तुम्हारे हॉस्टल के लिए भी बात कर लूंगा, ठीक रहेगा ना? हम हलवा बनाते हैं सबके लिए, मुंह तो मीठा करवाएं। अरे सविता, तुम हलवा हलवा छोड़ो, आज एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया से मंगाते हैं बाहर से खाने के लिए, है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम बनाते हैं। भैया उसकी क्या रैंक आई? थर्ड। थर्ड नंदिनी, और अब क्या गोल है? बोर्ड एग्जाम्स में फेल होना है क्या? सॉरी मम्मा। हमें सॉरी बोलने से क्या होगा बेटा, इट्स योर लाइफ, जो करना है करो। मुरली शर्मा जैसे बच्चों के साथ दोस्ती करो, नो वंडर तुम्हारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं। वो मुरली फर्स्ट आया इस बार। वंडरफुल, ये तो और भी अच्छा है। वो रतलाम से आया हिंदी मीडियम बच्चा, उसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, वेल डन नंदिनी। मम्मा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगली बार अच्छे मार्क्स लाएंगे, आई प्रॉमिस यू। हमें तो लगता था तुम कुछ करना चाहती हो, लाइफ में कुछ बनना चाहती हो, पर अगर तुम्हें सिर्फ हाउसवाइफ बनके अपनी लाइफ वेस्ट करनी है तो तुम्हारी मर्जी। हाउसवाइफ होना क्या इतना बुरा है भाभी, और उसे कम है क्या? हमने ऐसा कब कहा, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट होगा शायद, पर इस वक्त हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, तुम प्लीज बीच में मत बोलो। नंदिनी हमारी भी बेटी है। मधु प्लीज, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम नंदिनी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हमें हमारी बेटी से एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम नहीं समझ पाओगे। हम समझते हैं भाभी, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। मम्मा चाची, अब दोनों हमारे लिए मत लड़िए, हमने कहा ना मम्मा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगली बार फर्स्ट आके दिखाएंगे आपको। यार बड़ा बड़ा जो सामान है ना, उसको पीछे की तरफ रखते जाओ,
और हल्का वाला आगे रहो। देखो हल्के वाले के ऊपर कुछ भारी सामान मत रख देना, टूटना नहीं। अरे मुरली तुम भी रतलाम जा रहे हो? हाँ पापा। अरे मगर क्यों यार, रात दिन मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक लाए हो, स्कॉलरशिप तुमको अच्छी खासी मिली है, ये सब छोड़ के तुम रतलाम जाओगे? जब वो खुद जाना चाहता है तो आपको क्या आपत्ति है, है? अरे हम बस ये कह रहे हैं, बेचारे ने इतनी मेहनत करी है और मेहनत 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 तो रतलाम जाके भी कर सकता है, और सारे ज्ञानी क्या बड़े शहरों में ही पैदा हुए हैं, है? अब जब इसने तय कर लिया है कि हमारे साथ चल रहा है तो आप इसे डगमगाइए मत। जा बेटा अंदर जाके देख, वो सामान तो नहीं छूटा। जा शंभू भैया, वो कांच वाला जो बॉक्स है उसको आराम से रखिएगा। मुरली की फैमिली वापस जा रही है, उसने इतनी मेहनत की, फर्स्ट आया, स्कॉलरशिप ली, और वो ये सब छोड़ के वापस रतलाम जा रहा है। आपने ऐसे कैसे होने दिया, रोका क्यों नहीं उन्हें? ये जस्टिस है क्या दादू? नहीं बेटा, ये तो ना इंसाफी है। पापा हमने माफी मांगी थी विनोद से, कहा था उनसे कि अगर वो चाहे तो अपनी नौकरी वापस ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम और क्या करते। अब जबरदस्ती तो किसी को नहीं रोका जा सकता ना। तुमने माफी मांग ली मगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया। किसी के स्वाभिमान पर जब ठेस लगती है तो घाव आसानी से नहीं भरते। दादू आप कुछ हो नहीं सकता क्या? आप कुछ नहीं कर सकते कि वो लोग ना जाए? तो निकलने की पूरी तैयारी हो गई? जी सर, सामान वगैरह चढ़ा लिया। हमारे बेटे ने तो तुमसे माफी मांग ली थी मगर हमारी माफी भी बनती है, तो हम दोनों की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम्हारे मान को ठेस पहुंचाने और दिल को दुखाने के लिए जैसा कुछ मत बोलो, कुछ नहीं, बस यही कहो कि तुम नहीं जाओगे। अपना फैसला बदल लो विनोद, ये हमारी विनती है तुमसे। नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए, आप बड़े हैं सर। तभी तो माफी मांग रहे, बड़े होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए हम, नहीं तो बात यहां तक नहीं आती। शर्मिंदा हैं हम। लेकिन अब जाने की बिल्कुल तैयारी है, निकलने ही वाले हैं, कैसे अब? सर विनोद बाबू, गलती सुधारने का मौका भी नहीं दोगे क्या? अरे सर प्लीज, नहीं आप हाथ मत जोड़िए सर, मुझसे अगर कुछ गलती हुई सर तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मेरे लिए पिता समान है। पिता कहा ना, पिता, तो पिता के आदेश का पालन भी करना होगा तुम्हें। अब तो हम हक से तुम्हें रुकने को कह रहे हैं। हाँ तुम नहीं जाओगे कहीं सर, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब विनोद बाबू एक बार और माफी मांग रहे हैं आपसे, अपना इरादा बदल दीजिए विनोद बाबू प्लीज। अरे शेखर बाबू आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने जो कहना था आपने कह लिया, आपने मांग ली माफी मुझसे। शायद दिल से माफ ना किया हो, पूरे परिवार की जिंदगी बदलने का फैसला ले रहे हो विनोद, इसके बाद पलटने का कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें।